टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर बॉय रवि धैया ने हाल ही में बहुत बड़ा खुलासा किया है। रवि का कहना है कि देश के लिए इतना बड़ा काम करना, इतने बड़े पोडियम पे खड़ा होना, ये बेहद ही गर्व की बात है। पूरा देश खुश था और ये हमारे लिए बेहद ही खुशनुमा पल था। रवि ने बताया है कि वह 2008 में छत्रसाल स्टेडियम आ गए थे। उनके परिवार ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बलिदान दिया है। यहाँ आकर हमने इस अखाड़े के खिलाड़ियों को देखा जिनसे प्रेरणा मिली, चाहे वे सुशील कुमार हो या फिर योगेश्वर दत्त। इन्होंने हमारे अंदर इतना हौसला भर दिया जिसकी वजह से आज हम अपने देश का नाम रोशन कर पाए हैं। रवि का कहना है कि सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को देखते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उन्हीं को देखते हुए उनके मन में भी ललक चढ़ी कि वो देश के लिए कुछ कर दिखाएं। आपको बताना चाहेंगे 2008 में ही सुशील कुमार ने भी मेडल जीता था और तभी रवि ने अखाड़े में एंट्री ली थी और सुशील कुमार को देखते ही रवि का हौसला और बुलंदियों पे बढ़ने लगा। उन्होंने भी अपने मन में ठान लिया कि वो भी अपने देश को गौरवान्वित करेंगे और अपनी कड़ी मेहनत और परिणाम आज आपके सामने है कि रवि ने देश को सिल्वर मेडल जिताया है। इतने बड़ी जीत को देखकर रवि के मन में शुरुआत से ही आ गया था कि अगर मैं जीतूंगा तो मुझे भी इतना प्यार और सम्मान मिलेगा, मेरे भी उतने ठाट बाट होंगे। ओलंपिक में जाना एक बेहद बड़ी बात है। रवि दैया ने कहा, मेरी जीत के पीछे परिवार का त्याग, गुरुओं की शिक्षा और अखाड़े के खिलाड़ियों की प्रेरणा अहम है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार को देखकर ही हमने उनसे उनके प्रैक्टिस के तरीके सीखे, उनकी तरह प्रैक्टिस की और उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। और टोक्यो ओलंपिक में मैंने अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश की। मैंने हमेशा से ये ठान रखा था कि जितनी ट्रेनिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये तो हमारे गुरुओं का सम्मान है, वे कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ और रोकना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रवि दैया ने बताया कि जब भारत लौटकर आए तो लोगों का प्यार देखकर आंखें भर आईं। मेरे पिताजी मुझे दूर से देखकर खुश हो रहे थे। उनका कहना था कि आज प्रशंसकों का दिन है, हम तो घर के लोग हैं, कभी भी मिल लेंगे। और मेरे मम्मी पापा से सिर्फ 2 मिनट ही बात हो पाई थी। पूरा देश रवि की इस कामयाबी से काफी खुश है, लेकिन रवि भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी गुरुओं और बाकी खिलाड़ियों को देने से बिल्कुल भी नहीं चूके। उन्होंने योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का धन्यवाद किया है जिनको देखकर वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में ये सुशील कुमार के लिए भी गर्व की बात है कि उन्हें देखकर रवि को मेडल जीतने की प्रेरणा मिली। आपको बता दें, सुशील कुमार ने जेल में रहकर ही रवि की कुश्ती टीवी पर देखी थी। उस दौरान सुशील कुमार भावुक भी हुए थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि सुशील कुमार ने रवि को सिखाया है, वो उसके गुरु भी रह चुके हैं।